जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, सादर प्रणाम। सभी भाई लोगों को नमस्कार। आज हम लोग लगा रहे हैं बोले नो, तो हमने कहा कि अपने मित्रों को बताया जाए, सजेस्ट किया जाए, क्योंकि इससे काफ़ी आपको भी फ़ायदा है, काफ़ी मुझे भी फ़ायदा है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बात हम हर बार नहीं कहते हैं और आप लोग भूल जाते हैं। समस्या रास्ते में जब आती है तो कठिनाई होती है, क्योंकि हम सारे वीडियो में अपना अपडेट दिया करते हैं, आप लोगों को अपडेट नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये मेरा लगा है लोवेटो का वेपोराइजर, रिड्यूसर इसको कहते हैं हम लोग, है ना। और ये हो गया हमारा मैप सेंसर, तो देखिए मैप सेंसर है, EXR स्मार्ट है, ठीक है। और ये हो गया हमारा इंजेक्टर, इसमें देखिए ये पत्ती पर लगा करके हम लोगों ने टाइट किया है 10 वोल्ट से, और वेपराइजर को हमने टाइट किया है ब्रेकेट पे, माउंटिंग पे आ गया एकदम बेहतरीन, है ना। ये नोजल लगा है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये हो गया आपका 4 नंबर। और ये इंजेक्टर का कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन विनोद भाई हमारे बताएंगे कैसे कैसे कनेक्शन होता है और इसमें क्या है। विनोद बताएंगे, मन है बता दिए, चलिए हम बताते चल रहे हैं आप लोगों को कनेक्शन कैसे होता है। 1 नंबर के इंजेक्टर को, तार को या किसी भी चीज़ को आपको ये देखना है कि अर्थ किस में चलता है, इसका अर्थ से कनेक्शन होता है, ठीक है। आगे आइए, ये हमारा लगा है ECU, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, है ना। गाड़ी चलने में अक्सर आप लोग देखते हैं कि कई बार गाड़ी चलते चलते स्विच पे लाइट गायब हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें आप। ऐसे में सबसे पहला ख़राब, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता किट के अंदर जल्दी, ख़राब होता है सिर्फ तार। ये देखिए, ये हमारा 2 तार है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये आपका आ जाएगा निगेटिव में, ये इसमें पॉजिटिव। अक्सर इन दोनों तारों में से कोई तार अगर टूट जाएगा तो आपका स्विच से लाइट चलते चलते गायब हो जाएगी, अक्सर यही ख़राब होता है और विशेष कुछ ख़राबी इसमें नहीं आती है। और ये कपड़ा डाल दें, एक अस्तर का कपड़ा ले लें या कोई भी कपड़ा, इससे कपड़े से हमको फ़ायदा ही होता है कि गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह आने का डर नहीं होता है। अक्सर नई गाड़ी जब होती है तो ख़ास करके, क्योंकि एक बार स्क्रैच अगर आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही, 4 सिलेंडर गाड़ी होती है ये, है ना। ये मेरा सिलेंडर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसमें इतना अच्छा स्पेस है, सिलेंडर बिल्कुल चपक गया है यहाँ पे, और स्पेस भी इसमें ठीक ठाक है, आराम से सूटकेस वगैरह डाल सकते हैं, कुछ चीज़ें आ सकती है, बेहतरीन जगह बची हुई है इसमें, अपना काम जो है आराम से हो सकता है। CNG लगाते टाइम एक चीज़ और ध्यान देने वाला होता है, अक्सर जो आदमी नहीं ध्यान देता है वो ये सिलेंडर का नंबर और सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग डेट, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको यादव जी, सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाओ, ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ क्लिक करो, ये देखिए दिख रहा ना, 08/2020, थोड़ा सा और साफ करो यहाँ, ये देखिए 2040 तक इसकी वैलिडिटी है। सिलेंडर कोई भी हो 20 साल के लिए वैध होता है, देखिए अब 40 क्लियर दिख रहा है। आप जब भी किट लगवाएं इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं CNG वाले, रेट कम कर देंगे और सिलेंडर पुराना डाल देंगे, आपको लगेगा कि हमने बहुत सस्ता लगवा लिया, लेकिन सस्ता नहीं, आप तो उल्टा आप गड़बड़ कर देंगे, अक्सर इसमें यही होता है। चलिए आगे की बात, ये अपनी ऑफिस है जहाँ पे हम लोग CNG फिटिंग करते हैं। किट लगाते समय विशेष सावधानी ये ध्यान देने वाली होती है कि किसी भी काम को आप सफाई पूर्वक करें, एक दूसरी चीज़ निश्चिंत होकर के करें। और मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर लीजिए, ताकि नया अपडेट हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यूँ ही अपना साथ दीजिए और हमारा साथ लीजिए, कोई समस्या आने पर आप मुझे याद कर सकते हैं। धन्यवाद।